किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इसके आल नॉलेज में। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल गबड़ अवस्था पे होती है तो हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे धान की बालियां लंबी निकलें, ख़राब ना हो, दाना चमकीला हो, और भी ऐसे कई कार्य हैं जो हमें समय समय पर करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आज आपको बताऊँगा कि आपके धान की फसल में जब बालियां निकल रही हों। किसान मित्रों, बालियां बनना लगभग 20 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग 30 या 32 दिन में हमारी बालियां बनके बाहर निकल आती हैं, और जिससे हमारे दाने का भराव अच्छा हो और धान दाना चमकीला हो और बालियां लंबी हों। तो अभी तक हमारे किसान भाई चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी किसान संबंधित जानकारी हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। काफ़ी हिस्सों में बालियां निकलना स्टार्ट हो गया किसान मित्रों, तो हमें क्या करना है किसान मित्रों? दो बातों का विशेष ध्यान देना है जब हमारे धान की बालियां निकलने स्टार्ट हो जाएं। किसान मित्रों, इस समय हमारे धान की फसल को सबसे ज़्यादा पोटाश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पोटाश इस समय हमारे धान की बालियों को जो है लंबी करेगा और दाना का भराव अच्छा करेगा और दाना चमकीला बनाएगा। किसान मित्रों, जो बाली में सफ़ेद पन आ जाता है और कालापन आ जाता है वो पोटाश दूर करेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं किसान मित्रों, आपको बोरान 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 0050 के साथ आपको उसका मिश्रण करवा के स्प्रे करनी है, जिससे हमारे धान की जो बालियां हैं वो लंबी हों, चमकदार हों और दाना का भराव अच्छा हो। हमारे धान की फसल में जो बालियां निकलेंगी, आपकी बालियां एकदम, आप यहां पे देख लीजिए कि काफ़ी लंबी बाली हो गई हो, बल्कि अभी पौध छोटी है और बहुत ही बढ़िया बाली का संचारण हुआ है, क्योंकि इसमें बोरान और पोटाश का प्रयोग हो चुका है। किसान मित्रों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको कोई भी किसान संबंधित जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको वही वीडियो बनाकर दूंगा जिस खेती बाड़ी पर आप वीडियो चाह रहे हों। किसान मित्रों, वीडियो पसंद आया और लाइक करें, लाइक के साथ कमेंट करना हमें ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।